आर किचन शेफ मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो पैकेट ओरियो बिस्किट से बहुत ही स्पंजी केक बनाएंगे, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। केक बनाने के लिए पहले हम कैकटिन को रेडी कर लेते हैं। छोटी सी केक बनेगी तो हम छोटी सी कैकटिन लिए हैं, उसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच मैदा और मैदे को चारों तरफ फैला देंगे इस तरह से। और इस मैदा को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए कैकटिन हमारा रेडी हो गया है। अगर आप इस तरह से कैकटिन को रेडी करते हैं तो आपको कोई भी बटर पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए कैकटिन हमारा रेडी है। मिक्सिंग जार में हम सारे बिस्किट को हम तोड़ तोड़ कर डाल देंगे। तो देखिए हम सारे बिस्किट को फाड़ कर डाल दिए हैं। एक कप दूध लिया है हमने, आधा दूध को डालकर हम इसमें पीस लेंगे। अगर मेरे पास दूध नहीं होता तो इसको हम पानी के साथ भी पीस सकते थे। तो देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है, इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। एक कप दूध में इतना दूध हमारा बच गया है। अब हम इसमें दो चम्मच चीनी पाउडर डाल देते हैं। बिस्किट तो ऐसे ही मीठी होती है, फिर भी जिसे जरूरत है थोड़ा डाल सकते हैं। और एक चम्मच इनो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए इनो देने से बैटर कितना फ्लफी हो गया है। और एक ही साइड से इसे इसी तरह से मिक्स करना है, नहीं तो जो भी बबल्स आएंगे वो फूट जाएंगे। तो अब हम इसे जल्दी से कैकटिन में डाल लेंगे। इसको हम थोड़ा सा टेप कर देते हैं। तो ये पानी हमारा गर्म हो गया है और इसमें हम एक स्टैंड लगा दिया है। अगर स्टैंड नहीं है तो कोई भी कटोरी को पलट कर डाल दें और उसमें इसको हम रख देंगे इस तरह से। और इसको हमें ढक देना है। और इस होल में हम एक कागज को फंसा देंगे या गीला आटा भी फंसा सकते हैं। होल हमारा बंद हो गया है और इसको हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों केक हमारी बन गई है। अब हम इसको ठंडा करते हैं। 10 मिनट पहले हम इसको चेक किए थे तो ये नहीं बनी थी। इसको बनने में हमें 25 मिनट लग गए हैं। तो इस कैकटिन को अब हम पहले ठंडा कर लेते हैं। तो केक हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको निकालते हैं थोड़ा सा छुरी से किनारे से। तो देखिए केक हमारे कितने परफेक्ट बने हैं और बहुत ही स्पंजी भी हैं। तो इनको हम काट कर भी दिखाएंगे। देखिए अब हम केक को काट रहे हैं। देखिए ये कितने स्पंजी बने हैं, आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से केक को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।